जी हाँ, फाइनली जो है हमें देखने को मिलने वाली है सलमान खान की फिल्म का ज़बरदस्त अनाउंसमेंट हो चुका है। बिल्कुल अगर आप देखें तो ज़बरदस्त होने वाली है फिल्म। एक के बाद एक सारी खबरें आ ही रही है। जैसा कि मैंने काफ़ी पहले ही कह दिया था कि अगस्त में जो है हमें सुनने को मिल जाएगी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, फिल्म कौन सी आ रही है वो हो जाएगी। और फाइनली ऑफिशियल अनाउंस्ड हो ही चुकी है फिल्म। आप ये मान लीजिए ऑफिशियल हो चुकी है फिल्म, हमको देखने को मिल रही है विष्णुवर्धन वाली फिल्म। मैंने कहा था सारी फिल्म इंशाल्लाह, और जितनी भी फिल्में चल रही हैं, दो चार फिल्में, उनमें सबसे ऊपर कोई फिल्म चल रही है जो पहले अनाउंस हो जाएगी वो फिल्म विष्णुवर्धन वाली होगी। फाइनली विष्णुवर्धन की फिल्म करण जौहर के साथ ही हो रही है। सलमान खान करण जौहर 25 साल के बाद वापस रीयूनाइट कर रहे हैं। ज़बरदस्त कोलैबोरेशन फिर 25 साल के लंबे वक्त के बाद देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें कुछ कुछ होता है, इन दोनों ने साथ में काम किया तो उसके बाद से कभी भी करण जौहर के साथ में देखने को नहीं मिले हैं। यशराज साहब तो फिर भी कई बार देखने को मिल गए, लेकिन यहाँ देखने को नहीं मिले थे। और कुछ कुछ होता है में हालांकि डायरेक्शन जो है करण जौहर का था, लेकिन इस बारी डायरेक्शन करण जौहर का नहीं है, वो धर्मा प्रोडक्शन उनका जरूर शामिल है प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप देखें तो डायरेक्शन हमको देखने को मिला विष्णुवर्धन का, जो कि शेरशाह को डायरेक्ट किया था। बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्शन उनका देखने को मिला था, और ये भी ज़बरदस्त एक्शन फिल्म होने ही वाली है। जहाँ तक बात की जाए फिल्म की, तो फिल्म जो है क्रिसमस 2024 पर हमको रिलीज़ होती हुई देखने को मिलने वाली है। दिसंबर एंड 2024 में फिल्म रिलीज़ होगी, और ये बिल्कुल लाइनअप क्लियर हो ही गया, जैसा कि मैं पहले भी कहते आया हूँ इस बारे में कि क्या हमको कैसा देखने को मिलेगा। ऑफिशियल नहीं था इसलिए उस बारे में कंफर्मेशन नहीं था, और जैसा कि मैंने कह भी दिया था कि अगस्त में अनाउंसमेंट होगा, और वो हो गया है। और वही जो मैंने बात की थी ये सेम हो चुका है कम्प्लीटली। अभी प्री प्रोडक्शन में चल रही है फिल्म, कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ महीने के बाद ही जो है फिल्म का जो है शूटिंग शेड्यूल चालू हो जाएगा, फिल्म शूट होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो सेकेंड क्वार्टर से, अगर आप देखें पहले तो सेकंड हाफ से शुरू होना था टाइगर वर्सेस पठान, लेकिन अगर आप देखें तो अप्रैल के समथिंग में आसपास में, अप्रैल के आसपास में जो है टाइगर वर्सेस पठान का शूट शुरू हो जाएगा और फिर वो चलेगा। और नवंबर 2024 में शूट शुरू होगा प्रेम की शादी का, यानी प्रेम की शादी फिर देखने को मिलेगी 2025 में। ये सेम बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, टाइगर वर्सेस पठान और साथ में नवंबर में जो शूट शुरू होगा प्रेम की शादी का, इसके बारे में पहले ही कह चुका था। ऑफिशियली नहीं था, लेकिन इस वजह से लोगों को कंफर्मेशन नहीं हो रहा था, वरना फिर लोग कहने लग जाते कि आप पहले ही खबर दे रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। 15-20 दिन पहले का मेरा वीडियो आप लोग बैक में जाके देख सकते हैं, सेम बात मैं उसमें कहता हुआ नजर आ रहा हूँ। लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया कि विष्णुवर्धन की फिल्म, जो कि उम्मीद लोगों को हो रही थी कि शायद ईद पे देखने को मिलेगी 2024 में, लेकिन ईद पे तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ये हो रहा है कि क्रिसमस 2024 पे देखने को मिलेगी। और फिल्म का शूट थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद शुरू होगा। अब तक टाइगर 3 तो आ ही रही है, समझ लीजिए कि उसके रिलीज़ के आसपास ही जो है शूटिंग शेड्यूल चालू हो जाएगा विष्णुवर्धन का। आगे से आगे या पीछे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जो है विष्णुवर्धन का शूटिंग शेड्यूल चालू हो जाएगा उसके साथ में, और ज़बरदस्त एक्शन फिल्म देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी उम्मीद है इस फिल्म से, और काफ़ी ज़्यादा इंतजार भी है फिल्म का। और एक के बाद एक अगर लाइनअप अब आप देखें तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में टाइगर वर्सेस पठान, विष्णुवर्धन के डायरेक्शन में देखने को मिल रही हमें ये फिल्म, जो कि अनटाइटल्ड अभी तक, नाम कंफर्म नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें सिद्धार्थ आनंद तो खैर है ही, उसके बाद अगर आप देखें तो सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में प्रेम की शादी फिल्म को देखने को मिल रही है 2024 में आएगी, 24 के एंड में शूट शुरू होगा। तो ज़बरदस्त लाइनअप देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक बढ़िया देखने को मिल रहा है। और फाइनल जिस फिल्म की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, मैंने कहा भी था सबसे ज़्यादा यही फिल्म के चांसेस है जो सबसे आगे चल रही है इंशाल्लाह, और दूसरी सभी फिल्मों के मुकाबले ये फिल्म सबसे आगे चल रही थी, और फाइनली ऑफिशियल अनाउंस भी हो चुकी है।